कई महीनों से नीतीश कुमार बोलना कुछ शुरू करते हैं, बोल कुछ और जाते हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम बोल क्या रहे हैं और पूरी जनता हंस रही है। मतलब उनको लगता ही नहीं है कि सार्वजनिक मंच पर खड़े होकर बात करने का जो बेसिक तौर तरीका है वो भी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। इन दिनों अपने बयानों की वजह से चर्चाओं में बने रहने वाले नीतीश कुमार की एक बार फिर फिसली जुबान। जी हां, आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने भी हाल ही में नवादा में एक जनसभा में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कह दिया कि एनडीए के पक्ष में 4000 सांसद, जिसको लेकर जन सुराज के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश पर तंज कसाया, और साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाल फिलहाल में दिए गए तमाम बयानों का जिक्र किया, जिसमें नीतीश कुमार बोलना तो कुछ और चाह रहे थे और वो बोल कुछ और गए। आप इस वीडियो में सुनिए कि जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने किस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा है। तो आप कल की बात मत कीजिए, कई महीनों से नीतीश कुमार बोलना कुछ शुरू करते हैं, बोल कुछ और जाते हैं। अब कल उन्होंने जो फर्टिलिटी पे जो बात कही है, स्वतंत्र भारत के इतिहास में कोई सिटिंग मुख्यमंत्री इस तरह का भाषा और इस तरह के उदाहरण का प्रयोग विधानसभा के पटल पर करे, ये आज तक कोई इसका उदाहरण नहीं है। ये दिखाता है कि इस आदमी की क्या मनोस्थिति है, क्या दशा है। या तो उनको समझ नहीं है या डिल्यूजनल हो गए हैं। मैं अंग्रेजी में रोज कहता हूँ डिल्यूजनल हो गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम बोल क्या रहे हैं और पूरी जनता हंस रही है। अब उनके राजनीति का अंतिम दौर चल रहा है, 2-4-5-6 महीना जितना दिन खींच कर चल ले, इसके आगे अब चलने वाले नहीं है। पूरे बिहार की जनता रोज देख रही है, सिर्फ एक बयान का मतलब नहीं है। उनकी असंवेदनशीलता, उनकी राजनीतिक हाराकिरी, कभी उलट के दाएं कभी उलट के बाएं। आप उनका वक्तव्य, उनका भाषण देखिए, जब राष्ट्रपति आए थी महामहिम के सामने खड़े होकर पोडियम से जब भाषण दे रहे हैं, तो कभी कुर्ता उठा रहे हैं, कभी गाल खजुला रहे हैं, कभी बाल बना रहे हैं। मतलब उनको लगता ही नहीं है कि सार्वजनिक मंच पर खड़े होकर बात करने का जो बेसिक तौर तरीका है वो भी नहीं है। और ये रोज की बात है। छपरा में लोग जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु हो गई, तो राज्य की मुखिया के होने के नाते शोक संवेदना व्यक्त करने के बजाय पॉकेट में हाथ डालकर हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। अपने आप को बड़ा काबिल समझ रहे हैं, जबकि जनता नीचे हंस रही है। हर गांव में, हर घर में थू थू हो रहा है नीतीश कुमार के नाम पर। और ऊपर बैठे हुए हैं, जो वो है ना राजा की एक कहानी कि राजा जब को महंगे कपड़े का पहनने का शौक हुआ, तो किसी ने बताया भैया और पतला और पतला, तो कोई बुनकर ने आकर ऐसा कह दिया कि बिना कपड़ा पहनाए ही उनको हाथी पर बैठा दिया। राजा घूम रहे, लोग कह रहे वाह वाह कितना बढ़िया कितना बढ़िया। राजा नंगा घूम रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि मैं नंगा हूं। तो नीतीश कुमार की वही हालत है। वो और उनके 4-5 दरबारी मिलकर बता रहे कि सर बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और नीतीश कुमार को लग रहा है कि मैं बहुत बढ़िया होते जा रहा हूं। सच्चाई यह है कि जनता हंस रही है उनकी मूर्खता पर, उनकी अज्ञानता पर, उनकी नासमझी पर, उनके कुशासन पर। और उनको दिखेगा जब कोई आदमी खड़ा होकर कह देगा कि सर आपके शरीर पर तो वस्त्र ही नहीं है, और वो जनता को वो दिखाने का अवसर आएगा चुनाव में। चुनाव में जब उनका दल हारेगा तो दिखेगा उनको आईने के तरह कि उनके शरीर पर कुछ बचा ही नहीं है, उनके दल का कुछ बचा ही नहीं है, जनता में कुछ बात उनके लिए बची नहीं है। तो आपने सुना चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को, जिन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कहा कि आप कल की बात छोड़ दीजिए, पिछले 2-3 महीने से नीतीश कुमार बोलना कुछ और चाहते हैं और बोल कुछ और जाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के विधानसभा में महिलाओं को लेकर बयान दिया था। साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बिहार दौरे का भी जिक्र किया कि जब भारत की राष्ट्रपति बिहार दौरे पर आई थी, तो नीतीश कुमार ने सार्वजनिक मंच पर ऐसे बिहेव किया जैसे उन्हें पता ही नहीं है कि सार्वजनिक मंच पर किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। बता दें कि बीते दिन नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नवादा में एक जनसभा में शामिल हुए थे, जहां नीतीश कुमार की एक बार फिर से जुबान फिसल गई। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कह दिया कि एनडीए के पक्ष में 4000 सांसद,
जिस पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अपनी प्रतिक्रिया दी और सीएम नीतीश कुमार को जमकर घेरा। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।